से भी आपको रूबरू करवा देते हैं। आपको बताएं कि गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी जानकारी, गुरुग्राम को मिली मेट्रो की एक और सौगात, बड़ी खबर। आपको बताएं कि रेजंगला चौक से द्वारका सेक्टर 21 तक मेट्रो दौड़ेगी। 15 दिन के अंदर डीपीआर तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। पूरे गुरुग्राम को मेट्रो से जोड़ने की जो कवायद है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2 दिवसीय दौरे पर हैं गुरुग्राम में, तो इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेट्रो की एक और बड़ी सौगात दी है। तो गुरुग्राम को मेट्रो की एक और सौगात दी गई है। वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशील सिंह जुड़ गए हैं न्यूज रूम से सीधा लाइव। सुशील, आपके पास आना चाहूंगी मैं। गुरुग्राम को मेट्रो की एक और सौगात दी गई है। इस वक्त बात की जाए तो सीएम मनोहर लाल 2 दिवसीय दौरे पर भी हैं। आप बिल्कुल साधना, देखिए कल शाम को ही देर शाम तक बैठक चली, सभी अधिकारी मौजूद थे और उन अधिकारियों को, चूंकि रेजांगला चौक से द्वारका सेक्टर 21 यानी पश्चिमी दिल्ली को गुरुग्राम से डायरेक्ट मेट्रो से जोड़ने के लिए एक डीपीआर 15 दिनों तक देने का आदेश जारी किया गया है। और ये पूरा रूट 8.1 किलोमीटर का है, यानी 8 किलोमीटर का ये रूट होगा और इसमें 7 स्टेशन बनाने की बात की कही गई है। साथ ही 1.5 किलोमीटर का जो दायरा है वो दिल्ली के हिस्से में आता है। और वैसे में सभी अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने यह आदेश दिया कि दिल्ली के अंदर जो हिस्सा पड़ रहा है उसको अंडरग्राउंड मेट्रो कैसे चले इसका अधिकारी अध्ययन करें और अध्ययन कर 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट दाखिल करें और उस रिपोर्ट के आधार पर डीपीआर बनेगी और फिर भारत सरकार को भेजकर मेट्रो से कनेक्ट किया जाएगा। पूरे गुरुग्राम में अगर हम बात करें तो ये जो नई लाइन की बात चल रही है, करीब 37 किलोमीटर मेट्रो लाइन विस्तार की बात हो रही है और इसको लेकर कवायद तेज हो गई है और माना जा रहा है कि जल्द ही डीपीआर बनने के बाद एक कार्य शुरू हो जाएगा। जी सुशील, ऐसे में सवाल ये उठता है कि मेट्रो की सौगात तो दे दी गई है लेकिन जो ये मेट्रो है वो दौड़ेगी कब? दूसरा सवाल ये भी उठता है कि आपने जिक्र किया कि 15 दिन के अंदर ही डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, जो निर्देश दिए गए हैं वो कब से लागू हो जाएंगे? नहीं देखिए, कल शाम को बैठक हुई थी और बैठक इसी विषय पे था कि उस कनेक्टिविटी, जो मेट्रो कनेक्टिविटी है, उसको जल्द से जल्द कैसे डीपीआर बने। डीपीआर इन द सेंस डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए जितने अधिकारी थे उनके साथ यह बैठक हुई है और बैठक में अड़चन यह आ रही है कि जो रूट है उसका 1.5 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली के अंतर्गत आता है, तो दिल्ली के अंतर्गत किस तरह से मेट्रो चलेगी और उसकी कनेक्टिविटी क्या होगी, क्या समतल पे होगी या जमीन से ऊपर होगी या फिर जमीन से नीचे, क्या सुविधा वहां है, इसको अध्ययन करने की आवश्यकता है। और जो अधिकारियों ने वहां रिपोर्ट दी, प्रेजेंटेशन दिया मुख्यमंत्री को, उसमें यह बताया कि दिल्ली के अंदर जो 1.5 किलोमीटर का पैच है जो सेक्टर 21 द्वारका मेट्रो को जोड़ता है, तो उसके नीचे ले जाई जा सकती है मेट्रो, क्योंकि ऊपर संभव नहीं है, तो ऐसे में उसका अध्ययन करने का आदेश दिया गया है कि अधिकारी इसका अध्ययन करें कि नीचे कौन से रूट होंगे कि नीचे नीचे आसानी से मेट्रो बन जाएगी और 21 जो द्वारका सेक्टर 21 है उससे मेट्रो कनेक्ट हो जाएगी। इसको लेकर, चूंकि जो मेट्रो का रूट होगा वो ओल्ड गुरुग्राम को जोड़ते हुए मेट्रो जाएगी, तो निश्चित तौर पे अब 15 दिनों का समय है, क्योंकि कल माना यह जा रहा था कि कल ही डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, मुख्यमंत्री के सामने पेश की जाएगी, लेकिन 1.5 किलोमीटर की वजह से परेशानी आई और अब 15 दिन के बिल्कुल सुशील, तो यहां पर गुरु